कोरोना फिर तबाही मचाने लगा। केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, 24 घंटों में 353 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत शरह 7.2% तक जा पहुंची। कोई मौत ना हुई। ओमिक्रोन के केसेस में भी इजाफा, 24 घंटों में 18 अफराद में ओमिक्रोन वेरियंट की तस्दीक। कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू हस्पताल की 10 पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात कोरोना में मुब्तला। कॉलेज इंतजामिया का नर्सिस को करंटीना करने से इनकार। चीफ टाउन प्लानर LDA भी कोरोना में मुब्तला। बिगड़ती सूरत हाल पर वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कल बैनु सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। लाहौर एयरपोर्ट और अतराफ में धुंध छा गई। हद्दे निगाह में वाजे कमी, सिर्फ 600 मीटर रह गई। रनवे पर तैयारों की उड़ान और लैंडिंग जारी। मोटरवेज पर भी गाड़ियां रमा दमा। धुंध के बायस ट्रेन ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। शाह हुसैन एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस और शाह फरीद एक्सप्रेस घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 इजलाह में तकसीम करने का मामला। शहर को तकसीम करने के क्या फवायद होंगे? इंतजामी अमूर में बेहतरी और रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा? अरकान असेंबली ने लाहौर की तकसीम पर मुख्तलिफ सवालात उठा दिए। वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। दोबारा मुशावरती इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। SMBR बाबर हयात तारर ने शहर को तकसीम करने के बारे में ब्रीफिंग दी। लाहौरियों को मुफ्त मास्क की फराहमी के लिए इकदाम। लाहौर पहुंचने वाले 3 करोड़ मास्क गोदाम में महफूज रखने के लिए MOU पर दस्तखत। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर जैन मिर्जा ने दस्तखत किए। कोविड मास्क की पहली खेप 2 से 3 रोज में लाहौर पहुंचेगी। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें। विफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का पंजाब हुकूमत को खत। माहिरीन ने सेहत बेहतर करार दी तो उनके मुआलिज से राबता किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से कीमती रिकॉर्ड चोरी होने का इंकशाफ। अरबों रुपए का रिकॉर्ड ताले लगाकर सील कर दिया गया। रजिस्ट्रियों, इंतकालात और दीगर रिकॉर्ड के लिए आने वाले शहरी खार आवामी शिकायत पर 5 मुलाजमीन मुअत्तल। मुलाजमीन को रिकॉर्ड की नकूल फराहम करने पर मुअत्तल किया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक नया अमला तायुनात होते ही नकूल सर्विस बहाल कर दी जाएंगे। नए कनेक्शंस के मुंतजर लेस्को सारिफीन के लिए खुशखबरी। नए मीटर आ गए। कंपनी ने 37,100 सिंगल फेज मीटर रीजनल स्टोर को जारी कर दिए। 3,10,000 मीटर केबल भी जारी। 3 माह से ज्यादा अरसे तक ज़ेरे इल्तवा डिमांड नोटिसेस पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। आवाम पर महंगाई का नया बोझ। पंजाब में गाड़ियों के इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की तैयारियां। शहरियों को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी फीस के साथ मिलेगा। मुसाफिर गाड़ियां, रिक्शा, बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट पर भी इजाफी फीस लागू होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने समरी अबानी वजीर आला को इरसाल कर दी। बारिशों के बावजूद फजाई आलूदगी के बादल न छटे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड। अनारकली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 323, कोट लखपत में 310, बहरिया टाउन में 248, DHA में 236, मॉडल टाउन में 210 रिकॉर्ड। खसारे में डूबे वासा को रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने वासा की सालाना सब्सिडी 2 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर 3 अरब करने की मंजूरी दे दी। रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी ने वासा की 1.5 अरब की सदा की बजाय 80 करोड़ बढ़ाने की मंजूरी दी। उधर शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट रेवेन्यू एकेडमी बनाने की भी मंजूरी। महकमा खजाना ने 1 अरब 30 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात की। सूबे में आवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इकदाम मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब ने इंसाफ सेहत कार्ड की फराहमी पर वजीर आला की काविशों को सराहा। सिंध और पंजाब में पानी के मसले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब। पंजाब हुकूमत चश्मा जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सिंध के तहफुजात दूर करेगी। इजलास में सिंध से NOC के इजरा की दरख्वास्त दी जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की साल 2020-21 की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
तफ्तीश का मयार बेहतर बनाने के लिए तफ्तीशी अफसरान की ग्रेडिंग करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में इन्वेस्टिगेशन विंग में काम करने वाले अफसरान को ए, बी और सी कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। शर्ट्स पर नाम के साथ टैग लगेंगे। ग्रेडिंग के लिए इम्तिहान में फेल होने वाले अफसरान और अहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटियों पर भिजवाया जाएगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पेपरलेस ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक सिस्टम का आगाज। शहरियों को गाड़ी नाम कराने के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। ऑनलाइन अदायगी से गाड़ी खरीदार के नाम हो जाएगी। डीजी ऑफिस शादमान में इफ्तिताही तकरीब में वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल हाफिज मुमताज अहमद और दीगर की शिरकत। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में और भी आसानी। ड्राइविंग टिकट्स की जगह ई पेमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला। फीस ऑनलाइन जमा होगी, लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। सीटीओ मुंतजर मेहदी कहते हैं एक माह में ऑनलाइन ई पेमेंट सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर्स के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने नॉन प्रैक्टिस अलाउंस में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 के प्रोसिक्यूटर्स को 20,000, ग्रेड 18 के प्रोसिक्यूटर्स को 25,000 और ग्रेड 19 के प्रोसिक्यूटर्स को 50,000 अलाउंस मिलेगा। नाजरा कुरान पढ़ाने के लिए असातिज़ा की भर्तियों से कबल मास्टर ट्रेनर्स की भर्ती का फैसला। अरबी जुबान पर अबू रखने वाले 596 मास्टर ट्रेनर भर्ती होंगे। एमफिल इस्लामियात, एमफिल अरबी, शहादतुल आलमिया की डिग्री लाजमी करार। उम्मीदवार 20 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। होटल्स रेस्टोरेंट का मयार जांचने के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम मुतारिफ। पीएफए के पायलट प्रोजेक्ट में 5 बड़े शहरों के 250 रेस्टोरेंट शामिल। शफाफियत के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा सलमान रफीक अदालत पेश हुए। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ड्यूटी अदायगी के बावजूद 11 साल से तनख्वाह न मिली। पुलिस इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहों की अदायगी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अफसरान ने वेलफेयर फंड से 10 लाख रुपए की माली इमदाद कर दी। पुलिस अफसरान ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए मजीद मोहलत मांग ली। जस्टिस मिर्जा वकास राउफ ने केस मजीद समाअत के लिए जस्टिस शाहिद करीम को भिजवा दिया। सजा पूरी होने के बावजूद रिहाई न मिलने का मामला। मुस्तहिक खवातीन और बुजुर्ग कैदी जुर्माना अदा न कर सके। हाईकोर्ट का जुर्माने की अदम अदायगी पर मुस्तहिक खवातीन को रिहा न करने की दरख्वास्त पर नोटिस। वफाकी और सूबाई हुकूमतों और फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। निकाह नामे में बीवी को उम्रा या मुकद्दस मकामात की जियारत कराने का इकरार हक महर होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला। फैमिली अदालत में पेश। फैमिली सिविल कोर्ट में कहना कि अनुम का हक महर दिलवाने के लिए दावा। शोहर ने उम्रा कराने और मुकद्दस मकामात की सैर कराने का लिखवाया। अदालत ने दावे पर फरीकैन के वकला को 3 फरवरी को बहस के लिए तलब कर दिया। तारिफ को बेडशीट के बंडल ऑर्डर से कम देने का केस। टिम्बर मार्केट रावी रोड का मालिक 11 फरवरी को सारिफ अदालत तलब। सारिफ अदालत के जज मोहम्मद वसीम अफजल ने दावे पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट में भट्टा मजदूरों के बाजियाबी के केस की समाअत। अदालत ने बाजियाब होने वाले 12 मजदूर रिहा कर दिए। रिहा होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की फरोख्त का डेटा न देने का मामला। केन कमिश्नर ने तमाम शुगर मिल्स को नोटिसेस जारी कर दिए। डेटा फराहम न करने पर मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। सीवरेज पाइपलाइन तोड़ दी गई, सड़क तामीर न की जा सकी। टाउनशिप ब्लॉक 12 के मकीन परेशान। इंतजामिया की अदम तवज्जही के खिलाफ ताजिर और इलाका मकीन परेशान। उधर इत्तेहाद कॉलोनी गुलबर्ग में सीवरेज सिस्टम खराब। नलकों में सीवरेज मिला पानी आने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज।
LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। वापचा टाउन, नवाब टाउन, नास टाउन में 17 इमारतें सरबमोहर और मिसमार। एसी शालीमार तहनियत बुखारी का भी मौजा। हरबंसपुरा में ऑपरेशन। 56 मिलियन की 3 किनाल, 10 मरला सरकारी जमीन बाहगुजार करा ली। जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज। उधर करीम ब्लॉक मार्केट में तजावजात की भरमार, ताजिर बरादरी परेशान। निकलसन रोड, एम्प्रेस रोड, हाजी कैंप में तजावजात, ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह करार। CTO ने कमिश्नर मोहम्मद उस्मान से एंटी इंक्रोचमेंट कैंप की इस्तदा कर दी। रेगुलेशन अमले की मौजूदगी से तजावजात को हटाने में मुआवनत मिलेगी। मरासला इरसान। IG पंजाब राव सरदार अली खान से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के वफ की मुलाकात। लाहौर में आइंदा माह मुनक्किद की जाने वाली 2 बैनुल-अक़वामी नुमाइशों की सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल। IG की हर मुमकिन इकदाम की फराहमी की यकीन दहानी। जिले इंतजामिया के अफसरान के पनागाहों के दौरे। लाहौर की 13 पनागाहों में एहसास लिबास स्टॉल लगा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नदीम का जिना हस्पताल पनागाह का दौरा। मुकीम अफराद में स्वेटर और जैकेट तकसीम की। AC शालीमार तहनियत बुखारी का रेलवे स्टेशन पनागाह का दौरा। ACCT फैजान अहमद ने दाता दरबार पनागाह का दौरा किया। तीनों पनागाहों में 198 अफराद में जैकेट्स और स्वेटर तकसीम। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कौमी हॉकी के फरोग के लिए मैदान में। ओवरसीज पाकिस्तानियों का PHF हेडक्वार्टर का दौरा। सेक्रेटरी जनरल आसिफ बाजवा से मुलाकात। सेक्रेटरी PHF ने वफ को पाकिस्तान हॉकी मामला पर ब्रीफिंग दी। वफ ने पाकिस्तान हॉकी के फरोग के लिए भरपूर तआवुन की यकीन दहानी कराई। मुनशियात के बढ़ते रुझानात की मौजूदा सूरत हाल। पाकिस्तान लॉ कंपनी और ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के इश्तराक से सेमिनार। फोर्स कमांडर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर राशिद मिनहास की खसूसी शिरकत। मुनशियात के तदारुक के लिए बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी शील्ड तकसीम। टाउनशिप में फास्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाल। खवातीन और मर्दों ने चेकअप कराया। कैंप में गुर्दों, कमर दर्द, जोड़ों और शुगर के मरीजों का हजामा किया गया। और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जावेद की 8 साल गिरा। वकला अजीज व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार।